नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में द ऑथरिंग। मेरा नाम है हार्दिक और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन के बारे में और जानेंगे वो प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से बीजेपी को मिली हार। विधानसभा इलेक्शन इस बार गुजरात में भी हुआ जिसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत भी मिली है। स्टैटिस्टिक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया जिसमें से 25 बीजेपी को मिली है और कांग्रेस 40 सीटों से जीती है। राजनीतिक पंडितों की बात सुने बीजेपी के हार के दो प्रमुख कारण सामने आते हैं। पहला है गुटबाजी और दूसरा है बागी। गुटबाजी बस हिमाचल तक सीमित नहीं रही, वो कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखी जाती है। बीजेपी के नेता अपोजिशन को हराने से ज्यादा खुद के नेताओं को निपटाने में लगी है। अगर राजस्थान की बात करें, वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के बीच में हमेशा अनबन बनी रहती है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम और एन मिश्रा के बीच में हमेशा किसी न किसी बात पे अनबन चलती रहती है। अगर यही रहा तो बीजेपी को अगले राज्य में भी हार का सामना करना पड़ सकता है। आइए दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं जो है बागी। इस बार हिमाचल प्रदेश में 9 बीजेपी लीडर बागी का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें से 2 सीटों पर उनको जीत भी मिली है। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश में बहुत मेहनत से इलेक्शन कैंपेन किया। नरेंद्र मोदी ने 5 रैलियां की, फिर भी बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। अन्य लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जो वायदे किए थे उस पर बीजेपी खरी नहीं उतरी। अगर बीजेपी का यही रवैया आगे रहा तो बीजेपी को हर राज्य में ऐसे ही हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही पॉलिटिकल न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द ऑथरिंग। मेरा नाम है हार्दिक, तब तक के लिए धन्यवाद।